कौन घुसेर देती है घर के अंदर? आपको बता रही हूँ, दोबारा से बदतमीजी महिलाओं के लिए करी तो अच्छा नहीं होगा। अभी बता रही हूँ, अभी चेता रही हूँ। आवाम बेदार है, आपकी बदतमीजियों को बहुत बखूबी जानती है। बदतमीजी, बदजुबानी, जिस भाषा में बोलेंगे उस भाषा में मुझे जवाब देना आता है। आरफा खानम नाम है मेरा। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा, किसी गलतफहमी का शिकार मत होइएगा कि आपसे कोई डरता है। आपका लिहाज है, आपकी उम्र का लिहाज है, और आपकी उम्र का लिहाज करके मैं अभी तक चुप थी। उम्र का लिहाज एक हद तक होता है, और ये तमाचा आपके मुंह पर मार रही हूँ खान साहब। मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए जरूरी है। मेरा आत्मसम्मान के साथ मैं समझौता नहीं करूंगी। मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए पार्टी से, मेरी राजनीति से, मेरे टिकट से ज्यादा सर्वोपरि है, ज्यादा मेरे लिए ऊपर है मेरा आत्मसम्मान। मुझे इज्जत से नवाजा जाएगा, बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल आपका हाथ पकड़ूंगी, और पूरी इज्जत मैं डिजर्व करती हूं, एक महिला होने के तौर पर भी, एक कांग्रेसी होने के तौर पर भी। लेकिन बीते दिनों से जिस तरीके की बदजुबानियां कांग्रेस के नेता आसिफ मोहम्मद खान साहब कर रहे हैं कांग्रेसियों के लिए, ये नाकाबिलियत बर्दाश्त है। पहले आपको याद दिलाना चाहती हूं, और बड़ी मजे की बात यह है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेसियों को टारगेट करते हैं यहां के नेता, खास तौर पर मैं जिनका नाम ले रही हूं क्योंकि उनसे एक लिहाज का रिश्ता है, उनका हम लिहाज करते हैं, अपने अब हमारे बड़े हैं, और बड़े होने के तौर पर हमने हमेशा उनका लिहाज किया है, उनके साथ जुड़े, उनको देखा। लेकिन उम्र का लिहाज एक हद तक होता है। जब वो उस लिहाज को का लिहाज ना करें तो शायद आपको भी अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ती है, जो कि आज मैं तोड़ रही हूं। बुलडोजर, आपको याद होगा जब बुलडोजर की बात हुई थी, बुलडोजर आने का जो, जब हम जहांगीरपुरी हमने देखा और शाहीन बाग में जिस तरीके की चर्चा थी बुलडोजर को लाने की, तो ये वही नेताजी हैं जो ये कहते थे कि जब बुलडोजर आएगा तो सारे जितने भी ये नेता हैं कांग्रेसी सारे घर में घुस जाएंगे, ये लुटिया चोर हैं। सारे कांग्रेसियों को एक लाइन में खड़ा करके आपने लुटिया चोर कहा, जिसमें मैंने भी बयान दिया था, आपको शायद मेरा बयान याद होगा कि मैंने ये कहा था कि बुलडोजर आएगा तो हम सब जाएंगे, हम घर नहीं बैठेंगे, किसी का घर नहीं टूटने देंगे, हम गए। आपको याद होगा कि लुटिया चोर कौन निकला? मैं अपने टूटे पैर से बुलडोजर रोकने के लिए निकली थी, तो लुटिया चोर निकला कौन? यहां के नेताजी जो दूसरे कांग्रेसियों को लुटिया चोर कह रहे थे, कौन निकला था? मैं निकली थी, आरफा खानम निकली थी, और कांग्रेसी निकले थे यहाँ के। आप निकले थे? पूछना चाहती हूं, आप निकले घर से? नहीं निकले। दूसरा, अमानतुल्ला साहब अरेस्ट होते हैं, अमानतुल्ला साहब के अरेस्ट होने के बाद ये समर्थन में पहुंच जाते हैं। फैमिली का, परिवार का समर्थन तो हम भी कर रहे थे कि फैमिली ओखला के अंदर, ओखला के अंदर किसी की भी फैमिली के साथ, किसी के भी परिवार के साथ कोई भी पुलिस वाला ज्यादती नहीं कर सकता। एक आप ही नहीं है कि जुल्म ज्यादती के खिलाफ बोलने वाले, यहाँ पर और तमाम लोग हैं। आवाम बेदार है, आपकी बदतमीजियों को बहुत बखूबी जानती है, लेकिन इस बात को आप भूल गए कि जिस तरीके से बुलडोजर में आपने कांग्रेसियों को लुटिया चोर कहा, यहां पर आपने अमानतुल्ला का समर्थन किया, पार्टी के खिलाफ गए, सारे कांग्रेसियों को एक लाइन में लगाकर आपने फिर कहा, फिर विरोध किया। आपने कहा कि जो भी कांग्रेसी अमानतुल्ला का विरोध करेगा वो सांप्रदायिक ताकतों के साथ खड़ा है, चाहे पार्टी मुझे टिकट ना दे, मैं पार्टी के, पार्टी मेरे लिए कुछ नहीं है, आपने ये कहा। बहुत अच्छी बात है, आप फैमिली के, परिवार के साथ थे, फैमिली के साथ थे, हम भी परिवार के साथ थे, मैं भी परिवार के साथ थी, मेरा पूरा समर्थन परिवार के साथ था। लेकिन आपने, आपने कांग्रेसियों को फिर जलील किया। तीसरा, हाल फिलहाल में फिर एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे, तमाम आप देखिएगा, तमाम सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है जिसमें वो तमाम कांग्रेसियों को जो टिकट की रेस में थे, मैं भी टिकट की रेस में थी, मैं बाकियों की जिम्मेदारी तो नहीं लेती, अपनी बात करूंगी, मैं कांग्रेसी हूं। आपने चोर उचक्का कहा कांग्रेसियों को, आप बहुत बड़े वाले कांग्रेसी हैं, आप टिकट ले आए बेटी का,
आप टिकट ले आए, आपकी चल रही है पार्टी के अंदर, तो आप सारे कांग्रेसियों को कुछ नहीं समझेंगे? आपने चोर उचक्का रिक्शा वाला कहा कि वो कि रिक्शा वाला भी अगर टिकट भराएगा तो हम आप क्या करेंगे? साहब रिक्शे वाले की भी इज्जत है, रिक्शा वाला भी आपको वोट दिया है, रिक्शे वाले का भी वोट आपको मिला है, तब आप जीते हैं। क्या समझ रहे हैं आप? किसी गलत फहमी में मत रहिएगा, किसी गलत फहमी का शिकार मत होइएगा कि आपसे कोई डरता है। आपका लिहाज है, आपकी उम्र का लिहाज है, और आपकी उम्र का लिहाज करके मैं अभी तक चुप थी। और दूसरी बात, उन लोगों को भी बताना चाहती हूँ और आपको भी, आपकी भी गलत फहमी दूर करना चाहती हूँ, जो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ाया, पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारियां दी मैंने बखूबी निभाई, चांदनी चौक की जिम्मेदारी दी मैं गई, अपने दो कदम आगे रखकर मैं जयपुर की सीट पे भी गई, वहां पर भी मैंने कांग्रेस का समर्थन करके मैंने वहां पे चुनाव लड़ाया, मैं शादाब 187 पे भी गई, उस वाले वार्ड पे भी जाकर के मैंने वहां पर भी चुनाव लड़ाया, आपकी आपके वहां पर नहीं गई, क्यों नहीं गई? आत्मसम्मान मेरे लिए जरूरी है, और ये बात छोड़ दीजिए, आज नहीं करते हैं, कि मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए जरूरी है, क्या कमियां रही, क्यों नहीं गई, इसकी बात हम फिर कभी करेंगे, आज नहीं। कि मैंने आपको चुनाव क्यों लड़ा, आप बखूबी जानते हैं, खान साहब आप बहुत बखूबी जानते हैं कि मैं क्यों नहीं आई, मेरे लिए इज्जत मेरे लिए सबसे पहले है, लेकिन चुप घर पे बैठी और जगह जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन आपकी मुखालफत नहीं करी, कहीं कोई मुखालफत नहीं करी, लेकिन आपके लिए हर आदमी चोर उचक्का है, हर कांग्रेसी जो आपके साथ आके खड़ा हुआ उसका उसका उसके लिए भी आप कहते हैं कि इसने मुखालफत की, इसने चुनाव नहीं लड़ाया। तो आप कोई करिश्मा, आपने कोई चमत्कार नहीं किया कि जिसको आप कहते हैं कि आपने कोई बड़ा चमत्कार कर दिया, लेकिन एक बात, किसी भी महिला का कैरेक्टर एसेसिनेशन करना और किसी भी महिला के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं वकील हूं, हर हर लैंग्वेज में, हर जुबान में आपको जवाब देना बखूबी जानती हूं, लिहाज करती हूं, लिहाज में रहिए। और अभी बता रही हूं, फिर से कह रही हूं, बदतमीजी बदजुबानी जिस भाषा में बोलेंगे उस भाषा में मुझे जवाब देना आता है। आरफा खानम नाम है मेरा, याद है आपको कि हर जुल्म ज्यादती के खिलाफ मैंने पुरजोर विरोध किया है। अगर आप हो, चाहे कोई एक्स वाई जेड हो, कोई भी अगर इस तरीके की ज्यादती बदजुबानी करेगा, आरफा खानम सबसे पहले और पुरजोर विरोध करेगी। इस बात को आपको चेता देना चाहती हूँ। दोबारा मेरा नाम अपनी गंदी जुबान से अगर आपने लिया, तो आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि आज तो आपकी उन बदतमीजियों का और आपने जो आज हरकत की है उसका जवाब मैं आज इस लाइव में नहीं दे रही हूँ। इसके लिए इसकी जिम्मेदारी मेरे शौहर ने ले ली है, वो आपकी इन बातों का, इन बदतमीजियों का, इन जो कैरेक्टर एसेसिनेशन जिस तरीके की आप महिलाओं का करते हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरे शौहर ने ले ली है, और वो आपको माकूल जवाब दे देंगे। फिर से बता रही हूँ, दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले एक बार मेरे इस लाइव को जरूर देख लीजिएगा नेताजी। अगर दोबारा मेरे लिए या किसी महिला के लिए आपकी जुबान से बदजुबानी निकली, तो नाम मेरा याद रखिएगा कि सबसे पहले और सबसे पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध करूंगी, क्योंकि जो आज आपने हरकत की है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और आप लोगों को ये बात, मैं इसीलिए अभी तक हम लोग चुप थे, तमाम पत्रकार, तमाम सोशल मीडिया, तमाम इस तरीके की बातें चल रही थी कि क्यों नहीं लड़ाया साहब, क्यों नहीं लड़ाया, इस बात का जवाब मैं फिर दूंगी कि क्यों नहीं लड़ाया। अभी तो फिलहाल आपकी बदतमीजी बदजुबानी का जवाब है ये, और ये तमाचा आपके मुंह पर मार रही हूँ खान साहब कि दोबारा बदतमीजी मेरे खिलाफ आपने बोला, तो ये आपकी राजनीति, जिस तरीके से आप कहते हैं ना कौम आवाम बेदार है, तो कौम घुचर देती है घर के अंदर, आपको बता रही हूँ, दोबारा से बदतमीजी महिलाओं के लिए करी तो अच्छा नहीं होगा, अभी बता रही हूँ, अभी चेता रही हूँ।